चलिए एक बार फिर से हम लोग चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का अगला टॉपिक देखेंगे। पिछला बार हमने बात की थी कैरेक्टर्स ऑफ ए मोमेंट और आज हम बात करेंगे इसका अगला टॉपिक की, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ मास केवल हमारा रिजिड बॉडी में निकलता है। किसकी होती है सेंटर ऑफ मास? केवल रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि कठोर बॉडी, कठोर बॉडी। आप यहां पे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझा दें हम कि सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं। मान के चलिए हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां पे रखें तो आप रात दिन कोशिश कर लें या आप इसको कभी भी यहां पे नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जस्ट इसका कहीं बीच पॉइंट पर अगर लात इस तरह से आप इसको छोड़ देते हैं तो ये आप इसको खड़ा कर पाएंगे इस तरह से। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पूरा बॉडी का जितना भी मास है वो इसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्या होगा, आके कंसंट्रेट हुआ होगा, जमा हुआ होगा, और वही पॉइंट उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाती है। और ये सेंटर ऑफ मास केवल कठोर बॉडी में मिलती है, रिजिड बॉडी में मिलती है। अगर आप कोई कठोर बॉडी ना लेके कोई, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कि प्लास्टिक का पाइप है जो कठोर नहीं है, उसका अगर सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही उसको आप सेंटर ऑफ मास ढूंढने की कोशिश कीजिएगा वो एक दूसरे की ओर से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, लुढ़क जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास केवल हमको मिलती है रिजिड बॉडी में, यानी कि वो बॉडी जो कठोर होता है। चलिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। मान के चलिए कि आपके पास में एक प्लेट है, तो इस प्लेट को, या मान के चलिए प्लेट का एग्जांपल नहीं देते हैं, ये एक हम यहाँ पे एक कोई बॉडी उठा लेते हैं। अब इस बॉडी को हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से ये करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमारा बीच जहां पे ये बैलेंस हो गया, ये सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, यानी कि ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अगर आप इसको यहां पे रखें तो आप कभी भी इसको रात दिन मेहनत कर लें ये नहीं होगा। तो जहां पे ये बॉडी बैलेंस होती है, जहां से इसको आप बैलेंस करके इस तरह से रखते हैं, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाती है, और केवल ये कठोर बॉडी रिजिड बॉडी में आपको दिखाई देता है। तो एक लाइन पे हम लोग इसको, इसका भी डेफिनेट कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या चीज है। चलिए लिखना चाहते हैं आप, लिख लीजिए थोड़ा सा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, ए पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम, कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये बॉडी है, तो आप जैसे इस पॉइंट पे आप अपना उंगली से इस तरह से उठाएंगे तो ये पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इसको हम CM से रिप्रेजेंट कर दें। अगर आप ये प्लेट है, इस प्लेट में कुछ मिठाइयां आप इस तरह से रख देते हैं, मान के चलिए इस तरह से रख दें, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं रह गया, क्योंकि हम जानते हैं मास के साथ में हमारा सेंटर ऑफ मास भी क्या करती है, मूव करती है। कहने का मतलब यह है कि जिधर आपका मास ज्यादा होगा उस डायरेक्शन पे हमारा सेंटर ऑफ मास क्या करती है, मूव करती है। तो अब इस केस में यहां पे सेंटर ऑफ मास ना होके आपको सेंटर ऑफ मास यहां पे मिलेगा। समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब, कि जिधर हमारा वेट ज्यादा होती है, जिधर मास ज्यादा होती है, उस डायरेक्शन पे क्या होती है, सेंटर ऑफ मास होती है। क्लियर हो गया? चलिए समझते हैं हम इसको मैथमेटिकल फिजिक्स की भाषा से कि क्या चीज है ये। सपोज हमारे पास में एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये इस सिस्टम है, तो इस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेंट है। हम दो चार पार्टिकल्स उठाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सपोज दैट यहां पे एक पार्टिकल्स है जिसकी मास को हमने क्या मान लिया, m1। यहां पे और एक पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स को का मास को हमने मान लिया m2। यहां पे अब और एक पार्टिकल्स है जिसका मास को हमने मान लिया m3। चलिए ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। अब इसका मास m1, m2 और m3 है,
तो इस पे लगने वाला फोर्स, यहां पे लगने वाला फोर्स हम F1 मान लेते हैं, यहां पे लगने वाला फोर्स को F2 मान लेते हैं, और यहां पे लगने वाला फोर्स को F3 मान लेते हैं। देख लीजिएगा, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस टोटल का मास हमारा क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। और वो पॉइंट, सपोज दैट ये पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास माने, तो ये सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 के बराबर होगा। या फोर्स की बात करें तो f1 प्लस f2 प्लस f3 के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे आप अंगुली या कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स आपका टोटली बॉडी में इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे हम चले कि किसी बॉडी है और उसका अगर हमको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका भी एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, देख लेते हैं यहां पे। चलिए ध्यान से देखेंगे, अब इसको समझ में आएगा, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे आगे टॉपिक को बढ़ने से पहले। चलिए अब समझेंगे हम लोग किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, कोई बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास हम करते कैलकुलेट करेंगे, या मास लोकेशन भी आप बोल सकते हैं, मास लोकेशन, कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास लोकेशन ऑफ दी किसी बॉडी है, तो यहां पे आप लोकेशन भी लिख सकते हैं कि आखिर में उस बॉडी में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे लोकेट है। चलिए ध्यान से समझिएगा इसको, मान के चलिए हम एक सिस्टम बना लेते हैं, देख लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे हमारा बहुत लार्ज नंबर पे हमारा पार्टिकल्स है, यहां पे पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स का मास को हम ए1 मान लेते हैं, यहां पे पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स को मास को m2 मान लेते हैं, यहां पे पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स का मास को हम m3 मान लेते हैं। ये तो ओरिजिन पॉइंट हुआ, ओ सबका ओरिजिन हमारा सेम होता है, यानी कि एक्सिस आप बोल सकते हैं। तो ये सिस्टम है, तो हमने पीछे देखा था कि इसी के अंदर के कहीं ना कहीं इसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टोटल का मास हमारा कंसंट्रेट होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं, ये पॉइंट को सपोज दैट हम मान लेते हैं इसका सीएम यानी कि सेंटर ऑफ मास, लेट ओ से लेकर इसका दूरी को हम मान लेते हैं आर वन, इसका आर टू, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं आर थ्री, और इसके लिए टोटल है तो चलिए इसके लिए हम कैपिटल आर मान लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, तब इस केस में हम क्या जानेंगे कि जितना भी मास जो कंसंट्रेट होती है वो कहां पे होती है, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट होती है। तो इसको हम कैलकुलेटिंग करने से पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आपने ऊपर डेफिनेशन लिखा होगा, उस डेफिनेशन के आधार पे क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल दी मास इज सपोज कंसंट्रेट एट द सेंटर ऑफ मास, यानी कि टोटल का जो मास है वो कहां पे कंसंट्रेट होती है, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट होती है। तो इसका हम मोमेंट की बात कर ले, हमने मोमेंट देखा था, तो इट्स मोमेंट, इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, क्वांटिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो क्वांटिटी यहां पे क्या है आपका, m1 है प्लस m2 है प्लस m3 है, आप इसको डॉट डॉट करके mn तक लेके चलिए, ये mn
इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। मान के चलिए कि आर वन आर टू आर थ्री के बदले में टोटल डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। देखिए ये आर, ये डिस्टेंस है एक्सिस से, तो इसका ये मोमेंट हमको निकल गया। तब अगर हम ये टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn को केवल हम कैपिटल m यानी कि टोटल मास अगर मान ले, तो mr यहां पे mr यानी कि टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स mr, ये किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा किसके बराबर होगा। m, m के बदले में इधर किस क्या लिखेंगे हम m1, r के बदले में यहां पे क्या लिखेंगे r1, उसी तरह से यहां पे क्या लिखेंगे प्लस और m2 r2 प्लस दो डॉट mn rn तक चला जाएगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर हो गया, यहां पे जितना भी r1 r2 rn तक है टोटल वैल्यू क्या है r, m1 plus m2 plus m3 mn तक टोटल वैल्यू क्या है m मानी है, तो ये दोनों हमारे यहां पे क्या हो गया इक्वल हो गया। समझ में आ गया, अब बात रह गया हमको क्या इसका पोजीशन को ढूंढने के लिए कैसे हम करेंगे, तो लिखेंगे पोजीशन सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि r को बाहर कर दीजिए, तो ये इस पोजीशन बता देगा आर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस दो दो एम एन आर एन बाई, ये हमारा नीचे चला है ये एम। इस तरह से हमको एक रिलेशन बनता है जिससे हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, समझ में नहीं आया तो पूछे कि भाई। चलिए आगे बढ़े, हो गया सबको, ये था हमारा कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लोकेशन, बॉडी लोकेशन। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, अगर हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है केवल जिसमें केवल दो पार्टिकल्स हो, तो इसको हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिखेंगे फाइंडिंग फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अगर सिर्फ हमारे पास में दो ही पार्टिकल से बना हुआ कोई सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए सपोज ये हमारा एक पार्टिकल्स हुआ और एक पार्टिकल्स ये हुआ, इस पार्टिकल्स का मास m1 मान लेते हैं, इस पार्टिकल्स का मास मान लेते हैं m2, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, क्या मान के रखें r। सपोज ये मानते हैं कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है, ये दोनों बॉडी का बीच का सेंटर ऑफ मास, कहने का मतलब है जैसे कि ये है तो इसको आप जैसे करेंगे तो जहां पे ये बीच में आएगा तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास मानेंगे, अगर इधर वजन ज्यादा है तो आपको नजदीक लाना पड़ेगा, तो इसी तरह से यहां पे हमने इस पॉइंट को माना सेंटर ऑफ मास, ये इस दो पार्टिकल सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास को हमने यहां पे माना है इस पॉइंट को। अब ध्यान से देखिएगा कि सपोज दैट m1 से लेकर ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका दूरी हम क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं, समझ में आ गया। तब इस केस पे हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा दो ही सिस्टम है, क्या सिस्टम है दो ही सिस्टम है, और ये इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड लोकेटेड
एट द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो लाइन ज्वाइन किया गया है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे हमको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा। कहीं ना कहीं ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स के बीच में जो लाइन ज्वाइन किया गया है, उसी के बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं हम लोग, पीछे भाग में हमने पढ़ के रखा है आर इक्वल टू क्या, आर इक्वल टू क्या चाहते हैं आप लोग, लेकिन यहां पे हमारा पार्टिकल्स की बात दो ही है, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या है, ये एम वन और क्या लिखेंगे आर वन प्लस दूसरा पार्टिकल्स क्या है एम टू आर टू बाई एम। ये हमने पिछला बार में पढ़ा था, वहां पे एंड पार्टिकल लिए थे, यहां पे कितना पार्टिकल्स लिए हैं, केवल टू ही पार्टिकल्स लिए हैं। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं हम कि इसका ओरिजिन, ये इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हम M1 को मान लेते हैं, यानी कि ये ओरिजिन पॉइंट हो गया अभी, ये इसका ओरिजिन, तो लिख लेते हैं लेट M1 बी द ओरिजिन। यहां पे M1 क्या है, अब ओरिजिन है। अगर M1 ओरिजिन है तब यहां पे अगर हम R निकालना चाहें तो क्या होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। M1 तो M1 ही होगा, लेकिन ओरिजिन कहां पे है, M1 पे ही है, तो यहां पे इसका R1 क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि हमारा ओरिजिन कहां पे है, M1 पे है, और उसका ओरिजिन मतलब एक्सिस भी वहीं पे है, तो उसका दूरी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वहां पे हम क्या लिख लिए, R1 के जगह में जीरो, प्लस क्या है हमारे पास में दूसरा M2 है या नहीं है, समझ पा गया। दूसरी चीज, अब ये हमारा ओरिजिन था, तो ओरिजिन से M2 का दूरी कितना, R, तो यहां पे क्या लिख लेंगे R by हमारे पास में क्या है M है, तो ये M किसके बराबर है, M1 plus M2 के बराबर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं M1 plus M2, तो क्या मिला आपको R equal to, ये टोटली जीरो हो गया, M2 R by M1 plus M2। ये दो पोजीशन का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं हम इस फॉर्मूला से, क्लियर हो गया। चलिए आगे समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में फिर उसी तरह से दो पार्टिकल्स हैं, इसका मास M1, इसका मास M2, सपोज दैट यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां पे ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास से M1 का दूरी को हम R1 मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से M2 का दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। क्लियर हो गया, अब ये इसका ओरिजिन हो गया, ये अभी इसका क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। तब इस केस में अगर हम लिखेंगे मोमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मोमेंट कैलकुलेशन, मोमेंट कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, यहां पे समझिएगा कि मान के चलिए ये दो इस तरह से ये रखा हुआ है, अगर ये मास इधर आता है नीचे को आता है तो ये मास को ऊपर जाना होगा, अगर ये मास नीचे को आता है तो ये मास को ऊपर जाना होगा, समझ में आ गया। अगर एक डाउन बार है तो इसको ऊपर जाना होगा, आप यहां पर देख लीजिए इस तरह से है, तो ये नीचे आया तो ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग ऊपर गया, ये वाला भाग नीचे गया, तो क्या समझे आप कि ये और ये दोनों बराबर तो है लेकिन उल्टा डायरेक्शन पे काम करती है, कर रही है कि नहीं कर रही है, तो क्या लिखेंगे ये, इसको बोलिए M1 R1, ये दोनों क्या है बराबर है लेकिन क्या है उल्टा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस, क्या लिखते हैं M2 R2 ना, M2 R2 इक्वल टू टोटल हमारा M1 के बराबर होगा, कि यहां पे M2 प्लस M2 को M1 plus M2 को हमने M लिखा, R1 और R2 को सीधे क्या लिख दिया R लिख दिया। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे सेंटर ऑफ मास ओरिजिन यानी कि यहीं पे है, मतलब ये वाला R सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, ये वाला R क्या हो जाएगा, इन दिस केस
आर इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं, क्या है हमारा? ओरिजिन है। तब एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू इज इक्वल टू एम इंटू जीरो। तो टोटली क्या मिला हमको? एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू इज इक्वल टू जीरो और एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू मिल जाएगा। क्या मतलब कि यहां से इतना जितना इधर उतना इसका वैल्यू इतना, दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये था कहने का मतलब। यहां पे और थोड़ा समझ लेंगे, चलिए आपको समझाते हैं। सपोज दैट इसका टोटली वैल्यू हमारा 14 है। कितना है? 14 है। अगर आप एम लेते हैं कितना? 2, तो आपको आर लेना होगा 7, तब आपको क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। अगर आप एम को क्या लेते हैं? 7 लेते हैं, तो आपको आर क्या लेना होगा? 2, तब भी क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप वजन को बढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगा? घटेगा। समझ में आ गया? और जैसे ही आप मास को घटाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। यहां पे इसी को आगे बढ़ाते हुए आप नो डाउट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे देखें। सपोज दैट ये हमारा एक सीएम है, सेंटर ऑफ मास है, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ मास कंटेन है। सपोज दैट यहां का मास को हम m1 मान लेते हैं, यहां का मास को m2 मान लेते हैं, ये मास m3 हो गया, उसी तरह से ये m4 हो गया, ये m5 हो गया, ये हमारा हो गया सीएम, सेंटर ऑफ मास। इसके दूरी को r1 R2, R3, R4 और R5। अब चाहे तो n तक ले सकते हैं, 5, 6, 7, 10, जितना आपको मर्जी उतना ले सकते हैं। अब इसका ओरिजिन भी यही है, तो यहां पे लिख देते हैं, लेट ओरिजिन बी सेंटर ऑफ मास। इसका ओरिजिन अभी क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तब आपने क्या देखा? m1 r1 प्लस m2 R2 प्लस डॉट डॉट आप Mn तक उठा लीजिए, Mn Rn इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? टोटल ये M1 प्लस M2 प्लस Mn को क्या हम M लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R लिख दें, जो सेंटर ऑफ मास हमको दिखाई देता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट Mn Rn, तो m इंटू जीरो। क्योंकि क्यों? सेंटर ऑफ मास हमारा ओरिजिन है और उस वो एक्सिस भी है, तो एक्सिस का यहां पे लेंथ कितना होता है? जीरो होता है, यानी कि r हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या देखिए आप यहां पे, चलिए ये सब में बीच में प्लस का साइन है, प्लस के साइन के लिए हम क्या लगा देते हैं? समेशन m, यहां पे लिख देते हैं i, फिर क्या लिख देते हैं? r, फिर क्या लिख देते हैं? आई इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, यानी कि हमको क्या मिल जाता है? फाइनली वैल्यू जीरो मिल जाता है। समेशन ये आर ये समेशन का मतलब होता है, ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये समेशन है। समेशन का मतलब हुआ किसको जोड़ रहे हैं? एम को जोड़ रहे हैं। आई का मतलब क्या हुआ? इंटीजर नंबर, ये देखिए 1, 2, 3, उसी तरह से आर वन आर टू, ये इंटीजर नंबर को दिखाया गया, टोटल नंबर को जोड़ दिया गया और फाइनल वैल्यू क्या आ गया? हमारा जीरो आ गया। तो ये था, चलिए ये थी हमारी कुछ कैलकुलेशन जो फिजिक्स की भाषा में हम लोग कैलकुलेट किए। अब यहां पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी से उठाएंगे इसको और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन यहां पर उठाइएगा, हम क्वेश्चन लिख भी देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी
एनसीईआरटी से दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इन एचसीएल मॉलिक्यूल्स सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ एच एंड सी एल इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, 1.27 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द एप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सी एल इज 35.5 टाइम मेसिव देन हाइड्रोजन चैनल। अब आपको समझाते हैं यहां पे कि हमारे पास में दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, जबकि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है, 7। तो इस केस में अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हाइड्रोजन इसकी अपेक्षा में क्या होगा, छोटा होगा, और क्लोरीन इसकी अपेक्षा में क्या होगा, बड़ा होगा। देख लीजिए ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या होगा, क्लोरीन। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। यहां से इसका जो दूरी है वो दिया हुआ है आपको 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू दिया हुआ है। यहां पे हम लिख देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है वो होता है 10^-10 मीटर, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको। इसको सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं, लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, और मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास दिया हुआ है 35.5। ये दिया हुआ है क्या, 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है। आपको जानते होंगे यहां पे दो पार्टिकल्स हैं, तो दो पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला है, यानी कि हमको सीधे फाइंड करना है क्या, आर। तो आर का क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू m1 r1 + m2 r2 बाई m1 + m2। ये फॉर्मूला होती है, इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल दीजिए तो आपको आसानी से ये निकल जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पे चलने के लिए हम एंज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट, लेट ये वाला पॉइंट, हाइड्रोजन का ये पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, हाइड्रोजन का ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन है मतलब ये क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया, यानी कि आर का वैल्यू टोटली क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। तब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिएगा, आर इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन क्या मानेगा, एम मानेगा, यानी कि यहां पे हम लिखते हैं इसको मास ऑफ हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन, इनटू इसी को ओरिजिन माने हैं, मतलब इसका आर वन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, बीच में क्या साइड है, प्लस का, एम टू यानी कि मास ऑफ क्लोरीन है या नहीं है, या एक बार आप जानना चाहते हैं आप लिख लीजिए MCl, मास ऑफ क्लोरीन इनटू क्या लिखा हुआ है, आर टू, यानी कि यहां से इसका दूरी क्या दिया हुआ है, 1.27 इनटू एंगस्ट्रॉम का वैल्यू हम डालेंगे 10^-10 मीटर बाय एम वन के बदले में हमने क्या मारा है, एक बार लिख लेते हैं ना, एम एच प्लस एम सी एल। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमको, आर का वैल्यू निकालते हैं यहां पे, आर इक्वल टू क्या है, एम एच का वैल्यू,
एम है हमारे पास इंटू जीरो, ये तो टोटली क्या हो गया, जीरो हो गया, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, प्लस 35.5 इंटू 1.27 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर है या नहीं है, बाय एम एच का वैल्यू क्या था हमारे पास एम, प्लस एम सी एल, एम तो है हमारे पास, सी एल का वैल्यू डालिए क्या है 35.58, क्लियर हो गया, ये एम है ना, तो आर इक्वल टू क्या मिला, ये जीरो हो गया, 35.5 इंटू 1.27 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर बाय 35.58 प्लस एम कितना हो गया 36.5 हो गया, इसमें 1 एम है ना, 1 एम और 35.5 कितना हो गया 36.58, ये एम से एम क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आर का वैल्यू 1.24 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि लगभग यहां से लेकर इसका दूरी क्या था 1.27, तो यहां पर हम लिख देते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से इतना दूरी भी होगा, तो यहां से लेकर इसका दूरी 1.27 था, हमारा क्या वैल्यू आया 1.24 आया, तो लगभग इस आसपास इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा, समझ पा गया, यहां पे यहां से लेकर इसका दूरी क्या था 1.27, तो लगभग यहां पे क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास होगा, समझ पा गया, यानी कि यहां से लेकर इसका जो दूरी है वो क्या आएगा 1.24 एंगस्ट्रॉम, टोटल दूरी यहां से यहां का टोटल दूरी कितना 1.2 एंगस्ट्रॉम, तो सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा यहां पे 1.24 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, समझ पा गया, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था जो 7.2 दिया हुआ है। चलिए आज एक हम लास्ट टॉपिक करेंगे, ये उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, आज के लिए आज लेकिन एक और टॉपिक हम देखने चलेंगे। चलिए चलिए, जितना भी हमने पीछे बात जो किया वो सब 2D में था, अब हम बात कर लेते हैं 3D, 3D डायरेक्शन के लिए, तो यहां पे हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास इन 3D सिस्टम, 3D सिस्टम पे देखते हैं इसको, 3D सिस्टम का मतलब वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक्स वाई एंड जेड, ये एक्स हो गया, ये वाला हो गया वाई, और ये हो गया जेड, ये हो गया ओरिजिन ओ। चल ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा ये एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास ढूंढे तो इस जीरो से लेकर एक्स के बीच में कहीं ना कहीं क्या मिलेगा सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे बोलिए, तो सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस तरह से है या नहीं, समझ पा रहे होंगे, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स का मास हम क्या मान लेते हैं m1, तो यहां से इसका दूरी को r1, फिर दूसरा को m2 r2, तो हम x डायरेक्शन की बात करें तो हमको क्या मिलेगा जल्दी बोलिए, m1 क्या मिलेगा x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट कहां तक हम लेके जा सकते हैं mn xn तक बाय टोटल मास को हम क्या लिख सकते हैं समेशन m लिख सकते हैं, क्या समझ में आ गया, उसी तरह से अब y डायरेक्शन के लिए भी इस तरह से होगा, z के लिए भी इस तरह से होगा, तो y डायरेक्शन का हम सेंट्रल मास को दें तो हमको क्या मिलेगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा mn yn बाय मास, तो वही होगा समेशन m, उसी तरह से अब जे डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास खोजें तो क्या मिलेगा आपको m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट डॉट mn zn बाय समेशन m मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए अब यहां पे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, मोशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास ये अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमको क्या मिलेगा। चलिए यहां पे हमने आर ले लिया, सेंटर ऑफ मास, ये आर हमारा मान लीजिए मोशन है, सेंटर ऑफ मोशन ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यानी कि आर सी एल। तो इस केस में हमको क्या लिखना पड़ेगा, आर हमने लिया, यहां पे क्या लिया था एक्स लिया था, यहां पे हमने क्या लिया है आर, तो इस केस में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए तो क्या लिखा जाएगा, एम वन के जगह में तो एम वन ही होगा, लेकिन एक्स वन के जगह में यहां पे आर लिया है तो क्या लिखे आर वन प्लस एम टू आर टू, कहां तक लेके जाएंगे एम एन आर एन तक, बाई टोटल मास क्या होगा हमारे पास एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट डॉट कहां तक एम एन तक चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, टाइम से क्या करते हैं इसको रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में। चलिए तो आर यहां पे क्या है हमारा, डिस्टेंस ही तो है, डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए, यहां पे आर क्या है, ये आर हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम करें तो क्या होगा, d बाई डी टी क्या है हमारे पास आर सी एल इक्वल टू, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए जल्दी, ये टोटल m1 वन प्लस एम टू प्लस एम एन को अगर हम निकालना चाहें तो समेशन m के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। अब अंदर में क्या बचा हमारे पास में, m1 वन कॉन्स्टेंट है, क्या बचा डी आर वन बाई डी टी प्लस एम टू फिर बाहर आएगा, क्या होगा डी आर टू बाई डी टी प्लस डोट डोट कहां तक चला जाएगा एम एन बाहर हो जाएगा ना, फिर क्या मिला आपको डी आर एन ना बाई डी टी, क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये आर हमारा क्या था डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी यानी कि सेंटर मास ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वन बाई समेशन एम, यहां पे क्या है एम वन है, ध्यान से देखिएगा डी आर वन बाई डी टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो इसकी जगह हम क्या लिखे वेलोसिटी वन प्लस उसी तरह से एम टू वेलोसिटी टू प्लस डॉट डॉट क्या एम एन से कहां तक चलाएगा वी एन तक। देखिए ये हमको एक रिलेशन मिलता है, ये होती है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफ्रेंशिएट करने पर ऐसा आता है, हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है, ये भी हम एनसीईआरटी क्वेश्चन से उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए।